अगर इंसान मुसम्मम इरादा कर ले तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। कर्नाटक के प्रदीप नायक ने एक अनोखा और मुश्किल काम करके इस बात को साबित किया है, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये कामयाबी गेरुसोपा बक्सौली बाशिंदा प्रदीप मंजुनाथ नायक ने हासिल की है। हन्नावर के एसडीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अब वो कारवार के बाड़ा में शिवाजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बीएड कर रहे हैं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को देखने के बाद मैंने भी इस तरह के रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया। इसके बाद मैंने कौमी तराना और इसके मुसन्निफ रवींद्रनाथ टैगोर की नक्शकशी की। मुझे कौमी तराना और टैगोर की तस्वीर को चाक के टुकड़ों में तराशने में 6 दिन का वक्त लगा। सुमारो 6 दिन का प्रयत्न ನಂದು कौमी तराना को 17 चौक के टुकड़ों में तराशने में उन्हें 18 घंटे लगे। ऐसा करके उन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। दरख्वास्त देने के 15 दिन बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ईमेल के जरिए तस्दीक की। फिर दरख्वास्त देने के 10 दिन बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने तस्दीक की। मेरा नाम दोनों आलमी रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर मैं काफ़ी खुश हूँ। तातीलात और तूफान के दौरान ऑनलाइन क्लासेस मुअत्तल कर दी गई थी, इसी वक्त उन्होंने कौमी तराने को चौक के टुकड़ों में तराशने का फैसला किया। मैं अपने बचपन के दोस्त रामकुमार ईश्वर नायक का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए दरखास्त देने में मदद की। नायक को तबला बजाने और पेंटिंग का भी शौक है। उनके वालिद मंजुनाथ नायक और वालदा चंद्रकला ने हमेशा अपने बेटे की सलाहियतों की हौसला अफजाई की है। दोस्त और असातिज़ा भी इसकी पूरी हिमायत करते हैं। नायक को मुस्तकबिल में मजीद रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत तवील सफर तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।